हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं आपका फ्रेंड मनोहर बत्रा और मुझे आईटी में होने वाला है ऑलमोस्ट 8 इयर्स का एक्सपीरियंस. सो आज अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, स्पेशली यंग ऑडियंस को जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, जो बैचलर है. भाई इतना याद रखना, अगर कोई अपॉर्चुनिटी आई, चाहे वो रिमोट जॉब है, चाहे वो कोई और कंपनी से है जहाँ पे आपको 3 गुना या 4 गुना पैकेज मिल रहा है, मान के चलोगे वहां पे काम करना पड़ेगा. 8 घंटे स्टैंडर्ड जॉब होती है, ठीक है, 8 या 9 घंटे जो आप बोलो, बट कुछ जगह 10 भी हो जाता है और कुछ जगह 12 भी हो जाता है. तो मैं ये इन शॉर्ट बोलने वाला हूँ कि भाई काम करने से मत डरना जब पैसा मिल रहा हो, ठीक है. और ये बात याद रखना कि जब देखो, मैं एज अपना एग्जाम्पल देता हूँ, जब मैं बैचलर था ना, जब मैं टीसीएस में था, चाहे मेरी सैलरी 3.18 का पैकेज था, ठीक है, बट जब मैं ऑफिस जाता था सुबह, ठीक है, तो मैं ये सोच के नहीं आता था कि मुझे भी घर जाना है जल्दी. मुझे होता था कि आज मुझे कुछ नया सीख के जाना है, ठीक है. फिर वो क्या होता था, जैसे सब लोग चले जाते थे शाम को 6:30 7 बजे चले जाते थे, फिर मैं बैठ के एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ पढ़ लेता होता था, चाहे सर्टिफिकेशन के लिए पढ़ लिया है, कुछ भी पढ़ लिया, मतलब मैं रुकता नहीं था. और मुझे घर जाने की जल्दी क्यों नहीं होती थी, यही सोचता था कि मेरा कौन सा घर पे कोई इंतजार कर रहा है ना, यही ऑफिस है, कोई बात नहीं, यहां से खाना खा के जाएंगे घर, आराम से जाके घर पे जाके सो जाएंगे, और करेंगे क्या, जब रस्ते में जाएंगे तो अपने घर वालों से बात कर लेंगे. और फिर जब शादी हो जाती है तब फिर आप वीकेंड पे तो भूल ही जाओ, ठीक है, क्योंकि आपको भी होता है यार, आपकी नई शादी हुई है, आपको घूमने जाना है, थोड़ी सी जगह एक्सप्लोर, न्यू प्लेसेस एक्सप्लोर करने हैं. और फिर जब बच्चा हो जाता है फिर तो भूल ही जाओगे भाई, तुम अपने करियर पे इतना फोकस कर पाओगे, फिर तुम क्या सोचोगे, अरे भाई जो चल रहा है चलने दे, ठीक है. आप जॉब स्विच करने के लिए भी 4 बार सोचोगे, क्यों, क्योंकि पहले तो आपके सपोज आप अकेले थे तो आप बोलोगे भाई मुझे कहीं भी ले जा, मुझे बैंगलोर ले कोई बुला ले, कोई बात नहीं, हैदराबाद बुला ले, पुणे कोलकाता कहीं भी बुला ले, मैं चला जाऊंगा, ठीक है ना, वही मेरा कौन सा कोई इंतजार कर रहा है घर पे, है ना. अभी जब शादी हो जाती है, फिर बच्चे हो जाते, फिर होता है यार फैमिली है ना, वाइफ वर्किंग है, नॉन वर्किंग है तो लो फिर भी ठीक है, वर्किंग है तो इसकी ट्रांसफर कैसे होगी, फिर अगर बच्चा हो गया, अरे यार बच्चे की एजुकेशन भी देखनी है, वर्क फ्रॉम होम ठीक लग रहा है या ये ठीक लग रहा है या हाइब्रिड लग रहा है, ये बहुत सारे पैरामीटर्स है, पागल हो जाओगे. तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जब तक बैचलर हो प्लीज रिस्क लो, डरो मत, काम करने से बिल्कुल मत डरो. जितना अभी अपने आप को अभी रगड़ोगे ना, शादी के बाद उतना ही सुखी रहोगे, क्योंकि इंसान स्विच नहीं करता है ज्यादा जॉब. जितने भी देख लेना, जितने भी शादीशुदा लोग होंगे ना, वो 4 बार सोचते हैं जॉब स्विच करने के लिए, और बहुत कम स्विच मारते हैं एज कम्पेयर टू बैचलर टाइम. बैचलर टाइम पे प्रोबेबली आप हर 1-1.5 साल बाद स्विच कर सकते हो, बट शादी के बाद नहीं. वर्क फ्रॉम होम की तो बात छोड़ दो, ये तो अभी वैसे भी खत्म हो जाएगा धीरे धीरे करके सब में. सब ऑफिस ओपन हो गए हैं, जब तक वर्क फ्रॉम होम था तब तक इन्होंने स्विच मारे होंगे, बट अभी जैसे बंद हो रहे हैं सबको, तो इनको भी पूछ लेंगे, अभी 4 बार सोचेंगे. ऐसे लोगों से भी मिला हूं जिन्होंने वर्क फ्रॉम होम के टाइम पे बहुत स्विच मारे, खुद वो सपोज पुणे के थे, बैंगलोर में स्विच मार लिया, ठीक है. अभी फिर जब वर्क फ्रॉम होम बंद हो गया, ऑफिस वालों ने बुलाया, अरे वो तो, अरे यार शिट, अभी तो नहीं 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 अभी नहीं होगा, मुझे वापस पुणे के लिए कहीं कंपनी ढूंढनी है, तो फिर अभी 6 महीने में कंपनी ढूंढ रहे, जो फिर डिफिकल्ट हो जाता है जॉब स्विच करने इतने जल्दी फ्रिक्वेंसी पे. सो इन शॉर्ट क्या है, जब तक बैचलर हो रिस्क लो, पढ़ाई करने से मत डरो, ठीक है, चाहे आप फैन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे यूपीएससी कर रहे हो, चाहे कैट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो. और वैसे भी जब से ये कुछ फैंगम यूट्यूबर्स ने सैलरी रिवील करना स्टार्ट किया कि आईटी में इतना पैसा मिल रहा है, बहुत सारे लोगों ने तो कैट करने ही छोड़ दिए, ठीक है, ये बात फैक्ट है. बट रिमोट जॉब आए, फ्रीलैंसिंग जॉब आए, मैम वो रिस्क तो है, रिस्क है, बट लिया जा सकता है कब, एज अ बैचलर, शादी के बाद नहीं. शादी के बाद सब बोलता है स्टेबल जॉब कर लो, पैसे कम आएंगे, 2 पैसे कम आएंगे, बट शांति से आने चाहिए. होप माई मैसेज इज क्लियर एंड लाउड, आपको समझ आया होगा. और अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना और डू बिकम मेंबर, ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय.